जैसा कि आप जानते हैं, सन 1590 में रा माइक्रोस्कोप इजाद हुई। इसी तरह सन 1608 में रा टेलीस्कोप इजाद हुई। दोस्तों, हॉलैंड का एक एनेक्साज जिसका नाम लेपर्शे था, जो 1570 में पैदा हुआ और 1619 में फौत हुआ, उसका एक शागिर्द मुख्तलिफ लेंसेज के साथ तजर्बे कर रहा था। इन्हीं तजर्बात के दौरान उसे मालूम हुआ कि जब दो लेंसेज को आगे पीछे रख कर उसे झांका जाए तो खासे फासले पर एक चर्च का मीनार जो है वो कई गुना बड़ा होकर नज़र आता है, लेकिन उल्टा नज़र आता है। और इस तजर्बे से उसने अपने उस्ताद लेपर्शे को आगाह किया। लेपर्शे बहुत ज़हीन आदमी था, वो फौरन इसकी अहमियत को जान गया और उसने इस पर मुख्तलिफ तजर्बात करते हुए एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस एक पाइप के अंदर लगाकर उसने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन ईजाद की। दोस्तों, टेलीस्कोप यूनानी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दूर से देखना। दोस्तों, उस दौर में हॉलैंड स्पेन के खिलाफ बगावत की लड़ाई लड़ रहा था। लेपर्शे ने महसूस किया कि उसकी ये ईजाद मैदानी जंग में एक बहुत अहम हथियार साबित हो सकती है, जिसकी मदद से दुश्मन के दूर से आने वाले जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को और उसके दस्तों को देखा जा सकता है। उसने अपनी इस ईजाद को उस वक़्त के हुक्मरान मॉरिस ऑफ नसाओ को पेश किया और उसने इस ईजाद से बहुत फ़ायदा उठाया। मॉरिस ऑफ नसाओ ने कोशिश की कि इस ईजाद को खुफिया रखा जा सके, लेकिन ये आला इतना सादा था कि इसको कोई भी एनेक्सास गौर व फिक्र करके बना सकता था। इसकी बनावट में दूसरे मुल्कों को कोई ख़ास मुश्किल पेश ना आई और आहिस्ता आहिस्ता ये दूरबीन पूरे यूरोप में इस्तेमाल की जाने लगी। दोस्तों, सन 1608 में ये दूरबीन ईजाद हुई। लेपर्शे की ये दूरबीन किसी भी इमेज को तीन गुना बड़ा करके दिखाती थी। उसी दौर में इटली का एक और साइंसदान गैलीलियो गैलीली वो भी दूरबीन पर तजर्बे कर रहा था। जब ये दूरबीन उसके पास पहुंची, उसने इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात किए और उसने जल्द ही एक ऐसी दूरबीन ईजाद की जल्द ही वो एक ऐसी दूरबीन बनाने में कामयाब हो गया जो किसी भी इमेज को 8 गुना बड़ा करके दिखाती थी। और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद तजर्बात करते हुए उसने एक ऐसी दूरबीन बना ली जो इमेज को 23 गुना बड़ा करके दिखाती थी, जिससे उसने सैयारों को भी देखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह दुनिया की सबसे पहली रॉ टेलीस्कोप लेपर्शे ने हॉलैंड में ईजाद की। उम्मीद है कि दूरबीन के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने एक और वीडियो माइक्रोस्कोप के बारे में भी बनाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसे आसानी से देख सकें।